नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 17 देखे थे और उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज शुरू ही किए थे, एक यूज देखे थे। आज हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 18 देखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाकी जो यूसेस हैं उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले जो थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी याद ताज़ा कर लें, तो मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वैसे एक्शंस को रखा जाता है जहां दो एक्शंस दो कार्य एक के बाद एक होते हैं, एक के फिनिश होने के बाद जस्ट दूसरा होता है। वैसे स्थिति में जो काम पहले फिनिश होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में रखते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, और जो काम बाद में फिनिश होता है वो हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। और मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा था, तो चार सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे हम कहें और सेंटेंस देखते हैं, कुछ तो देखे ही हुए हैं। जैसे माय फादर केम आफ्टर आई हैड टेकन माय फूड, मेरे पिताजी मेरे खाना खा लेने के बाद आए। तो पहले एक्शन कौन हुआ? मैं पहले खाना खा चुका था और बाद में पिताजी आए, तो पहले एक्शन हुआ था खाना खा लेना, तो वो पास्ट परफेक्ट में रखे आई हैड टेकन माय फूड, टेक का थर्ड फ्रॉम टेकन। और ये सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 कम केम कम तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मैंने कहा था ना कि आफ्टर से भी बनाते हैं और बिफोर से भी बनाते हैं, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस लिखा, दे हैड हैड देयर लंच बिफोर आई रिच्ड देयर। आपको ये बड़ा ऑड लगता होगा, हैड हैड कैसे लिख दिए। मैं बता चुका हूं कि खाना खाने के सेंस में हैव का भी यूज किया जाता है, हैव का, टेक का, ईट का, ठीक ना। तो वो हैव का थर्ड फॉर्म है हैड, वो खाना खाने के सेंस में है, ठीक ना। तो दे हैड हैड देयर लंच बिफोर आई रिच देयर, मेरे वहां पहुंचने के पहले वे लोग अपना लंच कर चुके थे, कर लिए थे। तो इस तरीके से बहुत सारा, ठीक ना, सेंटेंसेस हो सकता है, आप प्रैक्टिस करिएगा बहुत सारे सेंटेंसेस। एक आप और ले लेते हैं क्योंकि बड़ा पॉपुलर है।
और थोड़ा इधर से लिखते हैं, देखिए कुछ सेंटेंसेस और मजरा जो चाहिएगा सो आप लिख सकते हैं, पैटर्न सही सही होना चाहिए। आई हैड मिस्ड माई ट्रेन, आई हैड मिस्ड माई ट्रेन बिफोर माई फ्रेंड केम देयर, मेरे मित्र के वहां पहुंचने के पहले मैं अपना ट्रेन मिस कर दिया था, मतलब मेरी ट्रेन छूट गई थी। The Prime Minister had delivered his speech before it started raining. बारिश शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री अपना भाषण दे चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। I switched on my TV, मतलब टेलीविजन, after Hardik Pandya had played an unbelievable inning. हार्दिक पांड्या के एक अविश्वसनीय पारी खेलने के बाद मैंने अपना टेलीविजन ऑन किया, टीवी चालू किया, संतोष से मिस कर गया। तो इस तरीके से कुछ भी आप जो चाहें सो, ठीक ना। हाँ देखिए, किसी से किसी को प्रेम है, शादी करना चाहता है, वहां पर क्या है, आई हैड डिसाइडेड टू बी अनमैरिड बिफोर शी मैरिड हिम, उसने किसी और से शादी कर ली, उसके उससे शादी करने के पहले मैं अनमैरिड रहने का डिसीजन निर्णय ले चुका था। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप पास्ट परफेक्ट टेंस के इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, जहां पर दो क्रियाएं, दो एक्शंस साइमल्टेनियसली लगभग लगभग एक साथ होते हैं, जस्ट एक के फिनिश होने के बाद दूसरा होता है। तो जो एक्शन पहले फिनिश होता है, पहले कंप्लीट होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में रखते हैं, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसे हम सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में रखते हैं। मैक्सिमम ग्रामेरियंस का मानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का सिंगल, मतलब बिना किसी सबॉर्डिनेट क्लाउज के यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जैसे आपको कहना है कि आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो मैं अपना होमवर्क कर चुका था, तो मैक्सिमम ग्रामेरियंस कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि ठीक है कर सकते हैं, जब प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव डन माई होमवर्क कह सकते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में कह ही सकते हैं आई हैड डन माई होमवर्क। लेकिन मैक्सिमम जो ग्रामेरियंस है ना, उनका मत यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसे सिंगल सेंटेंस के रूप में जहां कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं है वो यूज नहीं करना चाहिए। दो क्रियाएं, दो एक्शंस एक साथ हो रहे हों, जस्ट वन आफ्टर अनदर, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर का यूज होना चाहिए, मैक्सिमम का मत यही है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर को आप सिंपल पास्ट में रखिए, मीन्स आई डिड माई होमवर्क, ठीक ना, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, या आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, ऐसे आप कर सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर दो क्रियाएं एक साथ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, जरा देखिएगा।
कुछ सेंटेंसेज हैं, जरा देखिएगा। आई हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर, तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब मैं पहले ही वहां पहुंच गया था। तो पहले ही कहने का मतलब क्या है? कुछ छुपा हुआ भाव है, जैसे किसी के जाने के पहले, या समय से पहले, या कुछ घटित होने के पहले, कोई ना कोई छुपा हुआ भाव है। तो यदि ऐसा भाव हो जिसमें ये ऑलरेडी, ये मच अर्लियर टाइप के वर्ड्स उसको दिखाएं, छुपे हुए भाव को दिखाएं, तो वहां पर सिंगल सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आई हैड ऑलरेडी रीच देयर, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क मच अर्लियर, वो बहुत पहले अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी थी। बहुत पहले मतलब क्या कि एक निश्चित समय के पहले, किसी के आने के पहले। कुछ छुपा हुआ भाव है तो ये मच अर्लियर क्या दिखा रहा है कि एक एक्शन है, एक कुछ है ऐसा जो हिडन है, लेकिन वो भाव है वहां पर, तो वहां पर यूज हो सकता है अकेले। द थीफ हैड रन अवे बाय देन, तब तक चोर भाग चुका था। कब तक? किसी के आने तक, पुलिस के पहुंचने तक, कुछ होने तक ये भाव छुपा हुआ है। तो ये बाय देन क्या दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन का भाव छुपा हुआ है, इसलिए बिना किसी सबऑर्डिनेट क्लाउज का डायरेक्ट हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर, मैं पहले कभी मुंबई नहीं गया था। पहले कभी, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है तो बिफोर जहां लग गया तो यहां कर सकते हैं। आई हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर। द फायर हैड डिस्ट्रॉयड ऑल बाय दैट टाइम, उस समय तक तो आग सब कुछ बर्बाद कर चुका था। इतनी भयानक आग लग गई थी, फायर ब्रेकआउट हुआ था कि सब कुछ तहस नहस, डिस्ट्रॉय कर दिया था, डेवस्टेट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो बाय दैट टाइम मतलब फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले, कुछ होने के पहले, इसके पहले कि कुछ बचाया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए, उसके पहले आग सब कुछ खत्म कर दिया था। तो इस तरीके के भाव जहां छुपे हों, वहां सिंगल सेंटेंस में भी बिना किसी डायरेक्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज के भी, जहां दो एक्शंस एक जस्ट वन आफ्टर अंदर नहीं हो रहे हैं, वहां यूज हो सकते हैं, ठीक ना। कुछ और देखा जाए, मिटा रहे हैं। कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज पास्ट के पास्ट में भी, मतलब पास्ट में पास्ट को दिखाने के लिए, बड़ा सुनने में अटपटा लगता होगा कि पास्ट में पास्ट क्या होता है, ठीक ना। लेकिन देखिएगा सेंटेंस में क्लियर होगा, मतलब एक तरह से हम कह दें पास्ट इन पास्ट। जैसे सेंटेंस देखिए,
कुछ सेंटेंस देख लीजिए पास्ट में पास्ट, जैसे शी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी हैड इंजोर्ड हर लेग, वो स्कूल नहीं आई क्योंकि उसका पैर घायल हो चुका था, इंजोर्ड हो चुका, जख्मी हो चुका था। तो देखिए वो नहीं आई, और उसी में क्यों नहीं आई, तो उसके पहले ये हो चुका था कि भाई उसका पैर जो है डैमेज हो चुका था। आई डिडंट टीच यस्टरडे बिकॉज माई मोबाइल फोन हैड स्टॉप्ड वर्किंग, मैं कल नहीं पढ़ाया, क्यों भाई, क्योंकि मेरा मोबाइल फोन काम करना बंद कर दिया था, तो मैं कल नहीं पढ़ाया। और इसमें कारण क्या है कि पास्ट में भी ये ऐसा हो चुका था, इसलिए मैं नहीं पढ़ाया, कारण वहां दिख रहा है। जैसे माय टीचर हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई हैड प्लेस्ड हिम विद माय परफॉर्मेंस, बाय माय परफॉर्मेंस से अच्छा है विद लगाइए। है ना, तो मेरे शिक्षक ने मेरी बहुत मदद की क्योंकि मैं अपने परफॉर्मेंस से उनको खुश कर चुका था। तो इस तरह के एक्शंस को बोलते हैं पास्ट इन पास्ट, ठीक ना। तो ऐसे सिचुएशंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। कुछ और देखते हैं, कुछ अनरियल सिचुएशन पास्ट में होता है ना, मतलब काल्पनिक, जो कंप्लीट नहीं होता है, एक कल्पना होती है, वैसे सिचुएशंस के लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे
देखो कुछ सेंटेंसेस, ये अनरियल सिचुएशन इन पास्ट है। जैसे आई विश आई हैड बीन अ डॉक्टर, मेरी कामना है, मैं चाहता हूं कि काश मैं डॉक्टर बन गया होता, ठीक ना। यू पास योर टाइम एज इफ यू हैड डन ऑल, तुम अपना समय ऐसे पास करते हो जैसे तुमने सब कुछ कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो। ये सिचुएशन पास्ट की है, अनरियल सिचुएशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। शी विश शी हैड बीन एन इंजीनियर, वो विश करती है जैसे वो काश वो इंजीनियर बन गई होती। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही हैड कम फ्रॉम फॉरेन, वो मुझसे ऐसे बात करता है। He talks to me as if he had come from foreign. वह ऐसे बात करता है जैसे वह विदेश से आया हो, ठीक ना। He behaves rudely as though he had acquired or got everything. वो इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे वह सब कुछ acquire कर लिया हो, सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट में अनरियल सिचुएशंस को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, सिंपल पास्ट का भी यूज होता है। सिंपल पास्ट के टाइम में शायद मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है। कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, यदि ऐसा किया गया होता तो ऐसा हो गया होता। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी बोलता कुछ और है और स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लिखने में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, दोनों को मिला लीजिएगा। कभी कभी ध्यान ही नहीं आता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, तो वहां ध्यान नहीं जाता है। ये देखिए, हमने कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेज में, जैसे एक और लिखते हैं, और बड़े सेंटेंसेस हो जाएंगे। सेंटेंसेस चाहे जितना बड़ा करना चाहे उतना कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखिए,
मैंने कहा कि कंडीशन में शर्त है, कंडीशनल है, यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, इस तरीके की सेंटेंस में। जैसे इफ यू हैड पेड अटेंशन टू योर स्टडीज, यू यहाँ वुड कुड माइट सब लगता है, मेनली वुड का प्रयोग होता है, यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यदि तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दे दिए होते, ध्यान दे दिए होते तो परीक्षा पास कर गए होते। तो किए नहीं, ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। इफ आई हैड टेकन अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम, आई वुड हैव गॉट एवरीथिंग दैट आई हैड नॉट। यदि मैं सही निर्णय सही समय पर ले लिया होता तो मैं हर वो चीज प्राप्त कर लिया होता जो मेरे पास नहीं है, ठीक ना, ठीक ना। तो आई हैव नॉट गॉट, गॉट छुपा हुआ है, आई हैव नॉट से काम चल जाएगा। इस तरीके के और भी सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।